हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता, आरआरबी रीजनल रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज और नोटिस आपका 1/2024 जो कि आपका मतलब रेलवे ड्राइवर की जो एलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी आई थी उसकी वैकेंसी के आज से आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट है। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे आपको फॉर्म किस तरीके से कौन से जोन से भरना और सबसे बेस्ट जोन और कौन से जोन में कितनी वैकेंसी है, साथ ही में आपको किस तरीके से पूरा फॉर्म भरना सेपरेट रूप से मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और जो मेरे भाई फर्स्ट बार विजिट ऑल इंडिया जॉब न्यूज 0.2 पर कर रहे हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों मैं बता दूं आपको, पिछली बार आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से 56,000 जो एलपी की वैकेंसी आई थी उसमें आपका भाई आपके फाइनल स्टेप बाहर हुआ था, तो उसके बारे में मुझे पूरा नॉलेज है, ये तो आप टेंशन करने की जरूरत है नहीं। ओपनिंग डेट की बात करें तो 20/1/2024 यानी आज आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट है और आपकी जो क्लोजिंग डेट है वो 19/2/2024 तक आपकी रखी गई है। जो आप इसको मॉडिफाई या करेक्शन कर सकते हो वो कर सकते हो 20/2/2024 से लेकर आपका 29/2/2024 तक इसमें कर सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, सबसे पहले हमें ये वेबसाइट के ऊपर आना है जो कि आपका आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट है। आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आने के बाद में आपको ध्यान रखना है यहाँ पर अपलीकेशन फॉर्म आपका जो क्लोजिंग डेट दे रखी है सब कुछ इन्होंने दे रखा है, तो यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का क्लिक दे रखा है, तो इसमें करेक्ट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। यदि आपने पहले से अकाउंट बना रखा है तो आप इसमें मेरे दोस्तों आपका है जो अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है, इसको आप हिंदी या इंग्लिश जो भी आप करेक्शन कर सकते हो आप पढ़ सकते हो। इसके बाद आप जो रेड क्लिक आपका ब्लू क्लिक दे रहेगा उसके ऊपर क्लिक करना और प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना। जैसे आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आर यू करेक्ट डिपेंड आपको यह बोल रहा है कि आरआरबी की जो आरआरसी आरआरबी की जो कोई एग्जाम हुई थी उसमें कि आपको बाहर किया गया तो आपको यस या नो पर क्लिक करना है, तो हमें नो के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर बोल रहे हैं आपको यहाँ पर जो करेक्ट आपका एरर जिसमें आपको लासिक या जो भी आपका करंट जो भी आपको है तो इसमें आपको नो करना, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर आप बोल रहे जो पर्सन ऑफ बेंडमार अभी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो यहाँ पर नो करना है क्योंकि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट ये अलाउ नहीं करते। इसके बाद आपको सिटीजन चूज करना जो कि आपका इंडियन है वो आपको क्लिक करना है। इसके बाद में आपको अपना नाम डालना है, ठीक है। इसके बाद आपको रिटाइप अपना नाम करना है, ठीक है। जैसे आप इसमें अपना रिटाइप नाम करते हो आपके सामने कुछ इस तरह का आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आपका क्या डू यू चेंज ओवर नेम, तो आपने क्या कभी नेम चेंज किया, तो यदि आप यस करोगे तो आपको यहाँ पर नाम डालना होगा, यहाँ पर नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं आपको नो करना, ठीक है। इसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको डालनी है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखना, ये चीजें छोटी छोटी चीजें होती है जो आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको फिर से आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, ठीक है। देखो फिर से डेट ऑफ बर्थ डालनी है, फिर आपको जेंडर सेलेक्ट करना जो भी आपका जेंडर है, फिर आपको आपको फिर से आपको यहाँ पर रिजेंडर सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको जो आपका पिताजी का नाम है वो आप डालना है, ठीक है। जो आपके पिताजी का नाम है वो डालना है, फिर से आपको पिताजी का नाम रिटाइप करना है, ठीक है। या देखो रिटाइप में कर देता हूँ। इसके बाद आपको माताजी का नाम आपको डालना है, ठीक है। या पर ध्यान रखना फिर से आपको माताजी का नाम डालना है, जो आपकी अपनी मम्मी का नाम है वो आपको डालना है। इसके बाद आपको आधार वेरिफिकेशन, ये चीज आप ध्यान रखना, इसमें आप आधार वेरिफिकेशन करोगे आपको आधार कार्ड यहाँ पर नंबर डालना है। जैसे आप आधार कार्ड नंबर डालोगे वेरीफाई यूज के ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको क्लिक करना है। या फिर आप आधार से नहीं करना चाहते तो इसके अंदर आप जो कैंडिडेट दो फॉर्म भरना चाहते हो वो इस तरीके से आप कर सकते हैं। हेवी डू नॉट आधार इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर आपको आईडी प्रूफ डालना है, जो भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस पैन कार्ड वोटर आईडी है वो आपको डालना है। यहाँ पर जैसे ड्राइविंग लाइसेंस आप कर सकते हो, पासपोर्ट सेक्रेटरी डॉक्यूमेंट्स नेम डालना है, यहाँ पर इश्यू अथॉरिटी डालना और पहले से ये डालना है, ठीक है। यहाँ पर डालने के बाद आपको डेट ऑफ इश्यू डालना है, भाई कब इसको इश्यू किया गया था। फिर आपको ईमेल एड्रेस डालना है जिसके ऊपर आपको ओटीपी आएगा। फिर आपको मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आपको वेरीफाई करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर करेक्ट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है। पासवर्ड देखो किस तरीके से करेक्ट करते हैं वो चीज मैं बता देता हूँ आपको। पासवर्ड करने में बहुत सारे कैंडिडेट्स को दिक्कत होती है, जैसे यहाँ पर जे एट द रेट 123 या आप पासवर्ड लगा सकते हो, मतलब आपका नाम होना चाहिए एक स्मॉल और आपका यहाँ पर जो एक कैपिटल अक्षर है वो होना चाहिए। इसके अलावा आपको यहाँ पर जो अल्फाबेट है वो होना चाहिए और आपका स्पेशल जेक्टर या नंबर्स आपके पास होने चाहिए। ये सारे आपके नंबर्स होने के बाद आपको वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आपको यहाँ पर कैप्चर कोड डाल के आपको प्रीवेंट करेक्ट अकाउंट के ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने दोस्तों बता दूं आपको ये बोलेगा कि आप इसको लॉगिन कीजिए, तो ये आपको लॉगिन आपको वेरीफाई करने का ऑप्शन देगा कि आपको यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद आपको लॉगिन सेक्शन के ऊपर चले जाना। जैसे आप लॉगिन सेक्शन के ऊपर जाओगे ना, लॉगिन सेक्शन के ऊपर जाते आपको यहाँ पर देखो हेवी एन अकाउंट, यहाँ पर आपका अकाउंट है तो आपको अकाउंट पर क्लिक करना है। आपका पास जो मोबाइल नंबर है उससे आप पासवर्ड बनाया उससे आपको क्लिक कर लोगे, ठीक है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपको लॉगिन सेक्शन के ऊपर चले जाना। जैसे आप लॉगिन सेक्शन के ऊपर जाओगे यहाँ पर जाना होगा, एक बार फिर भी आपको लॉगिन सेक्शन के यहाँ पर देखो एक एक चीज को यह बताता आ रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करोगे बिलासपुर है, मैंने ऑलरेडी अभी थोड़ा फॉर्म भरा था बिलासपुर, आप जो भी आप यहाँ पर चूज कर सकते हो। आप देखो कौन सा आपको चूज करना है वो डिपेंड करेगा आपकी सीट्स कौन से में, क्योंकि आप यहाँ पर छोटी छोटी चीजों को यदि देकर फॉर्म नहीं भरोगे तो फिर आप पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा, ये चीज आप ध्यान रखना। तो देखो यहाँ पर दे रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ
कौन से में आपको फॉर्म भरना है, ये आपकी सीट्स आ गई, जैसे अहमदाबाद आ गया आपका, अजमेर आ गया, इसके बाद आपको बता दो बेंगलोर आ गया, भोपाल आ गया, भुवनेश्वर आ गया, बिलासपुर आ गया, बिलासपुर में सबसे ज्यादा सीटें, तो जाहिर सी बात है आपके फॉरम में सबसे ज्यादा जाने वाले हैं। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर आ गया आपका, कोलकाता आ गया, मालदा आ गया, मुंबई आ गया, रांची आ गया, सिकंदराबाद आ गया, इसके अलावा सिलीगुड़ी आ गया, त्रिपुरम आ गया। इससे आप इसमें देखकर आप फॉरम भर लेना, अपनी कैटेगरी के हिसाब से अपना फॉरम जरूर भर लेना मेरे दोस्तों। इसके बाद में आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर एग्री के ऊपर क्लिक करके आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप एग्री के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ आपकी डिटेल्स आ जाएगी, जो आपने भरी थी वो डिटेल्स आपके सामने आ गई। फिर आपको यहाँ पर आपका जो मेरिट स्टेट है वो आपको चेंज कर आप यहाँ पर डालना है। इसके बाद आपको रिलेशन यानी हिंदू से आप आते हो तो आप डालना है, मुस्लिम सिख जो भी आप आते हो वहाँ पर आपको डालना है। इसके बाद आपको चॉइस ऑफ लैंग्वेज, यहाँ पर जो आपकी लैंग्वेज किस लैंग्वेज में आप एग्जाम देना चाहते हो वो आपको डालना है। इसके बाद आपको जो आइडेंटिटी प्रूफ यानी कि जो आपके यहाँ पर कटापटा है तो वो आपको डालना है। इसके बाद आपको रिजर्व कैटेगरी, जो आपकी रिजर्व, यदि आप एसटी से आते हो तो एसटी का आपको यहाँ पर प्रमाण पत्र देना होगा, सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा, अथॉरिटी कहाँ से जारी हुआ है, डेट ऑफ इशू डालनी होगी, और आपको यहाँ पर देगा जब फ्री ऑफ ट्रेलर पास यहाँ पर एग्जाम से जिस कैंडिडेट को एससी एसटी चाहिए तो उसको फ्री ट्रेलर पास मिलेगा, यस करना है, ऐसे आप करते हैं, डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने का ऑप्शन देगा, रेलवे स्टेशन नियर बाय रेलवे स्टेशन यहाँ पर, यानी कि मूल निवास आपको रेलवे स्टेशन यहाँ पर, जैसे यस करोगे आपको प्लीज इंटरेस्ट ऑफ रेलवे स्टेशन यानी कि नियरेस्ट रेलवे स्टेशन और अपलोड वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट, आपको वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा जिस कैंडिडेट को ये चाहिए तो वो मिलेगा, केवल एससी एंड एसटी को। यहाँ पर ये चीज आप ध्यान रखना, बता दूं दोस्तों ओबीसी को यहाँ पर नहीं मिलने वाला आपको फ्री का कास्ट, ये भी ध्यान रखना, बहुत सारे कैंडिडेट इसमें गलती करेंगे क्योंकि ओबीसी को देखो, ओबीसी को मैं दिखा देता हूँ आपको, ओबीसी को कहीं नहीं मिलने वाला, ओबीसी आप करते हैं ओबीसी को यहाँ पर नॉन गवर्नमेंट या यस करोगे, यस करते आपको अंडर स्टैंड एग्री के ऊपर क्लिक करोगे आपको यहाँ पर किसी प्रकार का नहीं मिलने वाला, ठीक है। यहाँ पर मैं अंडरेजर रह देता हूँ क्योंकि मैं अंडरेजर से आपका फॉर्म भर रहा हूँ। इसके बाद में आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना, आपको यहाँ पर देखो अपना स्टेट चूज करना, इसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करना, इसके बाद आपका एड्रेस डालना और इसके बाद अपना पिन कोड डाल के यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर सेव करके नेक्स्ट के ऊपर सीधा आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर सकते हो। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे पर्सनल डाटा इज सेव्ड सक्सेसफुल का ऑप्शन आ जाएगा। यहां पर बोल रहा है आर यू सर्विसमैन, तो आप सर्विसमैन हो, यस या नो के ऊपर क्लिक करना। इसके बाद आपको जो अक्सर इसमें नहीं है यदि एस करोगे तो आपको यहाँ पर देनी होगी पीडब्ल्यू डी कैंडिडेट के लिए। आपको यहाँ पर बोल रहा है ईबीसी कैंडिडेट होल्डर यानी ईबीसी एक डिप्लोमा होता है इकोनॉमिक वैकेंसी ईडब्ल्यू आपका होता है उसमें आप यदि हो तो ये एस करना, यदि आप नहीं हो तो नो करना, ठीक है। इसके बाद आपको इंडियन रेलवे में आप काम कर रहे हो तो यस या नो करना, ठीक है। इसके बाद आप करंट डिपार्टमेंट कौन से डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो तो वो यस या नो करना। इसके बाद अप्रेंटिसशिप एक्ट, यदि आपने अप्रेंटिसशिप किया तो अप्रेंटिसशिप का डालना, यदि नहीं किया तो आपको नो करना, ठीक है। फिर आपको अकाउंट होल्डर अकाउंट नंबर और अकाउंट नंबर आपका कन्फर्म और आईएफएससी कोड आपको डालना। जैसे आप आईएफएससी कोड डालोगे बैंक नेम डालोगे सब कुछ आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूं मेरे दोस्तों यहां पर शॉर्ट में भरकर मेरे दोस्तों दोस्तों जैसे आप अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड और जो अपना नाम डालोगे इसके बाद आपको वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप कंफर्म के ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का आएगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे मेरे दोस्तों यहाँ पर देखो आपकी डिटेल्स आपको दी हुई है वो आपको सेव करनी होगी। देखो आपको बता दूं आपको लोको पायलट असिस्टेंट लोको पायलट जो आपकी देर का दसवीं में आप कौन से स्टेट से पास किए हो दसवीं वगैरह आपको देनी होगी। तो यहाँ पर देखो अभी दसवीं की डिटेल्स इन्होंने दे रखी है तो दसवीं की स्टेट्स जो आपने किस स्टेट से पास की वो आपको, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट आपको डालना है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर बोर्ड आपको डालना है भाई, बोर्ड तो हम बी एस सी आर डालते, ठीक है, बी एस सी आर डालते हैं, ठीक है, बी एस सी आर अजमेर डालते हैं। फिर आपको पासिंग डेट डालने भाई कब आपने पास की थी, तो मैं यहाँ पर पास देख देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर ध्यान रखना मैं आपको दिखा रहा हूँ एक एक चीज आपको दिखा रहा हूँ, 15 फरवरी से आपका जुलाई होगा, ठीक है। यहाँ पर चीज ध्यान रखना मेरे दोस्तों कि एक एक चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ। 15 फरवरी 2000 रोल नंबर आपको डालने, जो आपके रोल नंबर वो आपको डालने, ठीक है। इसके बाद आपको एड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप एड के ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने क्वालिफिकेशन का ऑप्शन आ जाएगा भाई, आपको 3 इयर्स आपका इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर रखा है, 3 आप डिग्री इंजीनियरिंग कर रखा है, एनएससी अप्रेंटिसशिप एक्ट कर रखा है या आईटीआई कर रखा है, तो आपका आईटीआई डालना है। इसके बाद आपकी जो भी आपका आईटीआई कर रखा है वो आपको यहाँ पर ट्रेड सेलेक्ट करनी है। इसके बाद आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, फिर से आपका स्टेट सेलेक्ट करना है और फिर आपसे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। जिस डिस्ट्रिक्ट से आपने आईटीआई किया वहाँ पर आपको नेम ऑफ इंस्टीट्यूट डालना है, ठीक है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट आपको डालना है, ठीक है। जैसे आप नेम ऑफ डालोगे इसके बाद आप पासिंग डेट डालनी है, जो आपकी पासिंग डेट है वो आपको डालनी है, ठीक है। ये देखो मैं एक एक चीज आपके सामने दिखा रहा हूं, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करेंगे। फिर आपको सर्टिफिकेट इश्यू अथॉरिटी एनसीबीटी आईसीबीटी, तो आपको एनसीबीटी कर लेना या अप्रेंटिसशिप नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या फिर स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट या सब कुछ यदि आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको एड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप एड के ऊपर क्लिक करोगे दोस्तों यहाँ पर एड के ऊपर आप आगे भी यदि कोई आपके पास क्वालिफिकेशन है कर सकते हो, नहीं तो नो करके आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे मेरे दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का आएगा। अब देखो मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, यहां पर इन्होंने साफ साफ इमेज के बारे में कुछ दे रखा है, शुड भी आपका कलर पासवर्ड साइज फोटोग्राफ या फिर यहाँ पर देखो ये बोल रहेगा कि आपको फोटो आपका होना चाहिए वो आपका सैंपल फोटो, यहाँ पर सैंपल फोटो आप देख लीजिए, सैंपल फोटो आपका इस तरीके से आपका नहीं फोटो होना चाहिए, ये किसी भी तरीके से फोटो अलाउ नहीं होंगे, केवल ये सिंपल फोटो अलाउ होगा जिसका व्हाइट बैकग्राउंड होगा वो आपको देना होगा, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पर देर को सिग्नेचर वगैरह दे रखा है, सिग्नेचर आपको यहाँ पर देना होगा जो आपकी पर्सनल ऐप की, बता दूं आपको यहाँ पर जो सिग्नेचर वो आपकी इंग्लिश या हिंदी में जैसे आप करते हो कोई दिक्कत नहीं, वैसे आप कर सकते हो, सिग्नेचर का कोई इशू नहीं है। पर आपको यहाँ पर जो सैंपल फोटो है, सैंपल फोटो
उससे पहले बात कर लेते हैं जो आपका ALP की तरफ से जो असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी निकली है उसके लिए प्री एग्जाम्स के लिए बेस्ट बुक निकल कर आ चुकी है, वो आ चुकी है चक्षु प्रकाशन की तरफ से, जिसके अंदर 2500 भौविकलैपिक प्रश्न दो आपको सॉलिड पेपर मिलने वाले हैं। इस बुक में आपको देखो मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग और आपका जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स आपको मिलने वाला है। दोस्तों मैं बता दूं आपको ये न्यू सिलेबस और न्यू अकॉर्डिंग जो आपकी 5000 प्लस वैकेंसी निकल कर आई है उसी के अकॉर्डिंग इस बुक को डिजाइन किया गया है। इस बुक में आपको सिलेबस वाइज, आपको टॉपिक वाइज आपको सब कुछ मिलने वाला है दोस्तों। साथ ही में इस बुक में आपको बता दूँ एक तो आपको स्टडी आपको गाइड मिलेगी, इस साथ ही बता दूँ आपको इसमें प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलने वाली है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट में आपको बता दूँ दोस्तों 25-35 आपको जो प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं, इसके अलावा दो आपको सॉलिड पेपर, इसके अलावा 2500 भविक लगभग पर्सन और मिलने वाले हैं। ये सारा सब कुछ आप परचेज कर सकते हो, परचेजिंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है दोस्तों। तो आपको जो आपका बैकग्राउंड है वो आपका यहाँ पर मेरे दोस्तों जो होना चाहिए वो आपका व्हाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए। चलो मैं इस यहाँ पर फोटो अपलोड करता हूँ, ब्राउजर के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं ब्राउजर के ऊपर क्लिक करता हूँ मेरे दोस्तों, आप मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पर इंटरफेस आते हैं मैं आपके सामने देखो पूरा का पूरा यहाँ पर ब्राउजर में आपका क्लिक करता हूँ। ब्राउजर में मेरे पास फोटो ओपन हो चुके हैं, मैं फोटो अपलोड कर देता हूँ। जैसे मैं फोटो अपलोड करता हूँ यहाँ पर ये चीज एक चीज बता दूँ, इसको भी आप चेंज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, इसको भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है, इसमें आप व्हाइट बैकग्राउंड कर लेना। अब व्हाइट बैकग्राउंड करने के लिए चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा बीजी रिमूव करके हम दिखा देते हैं आपको, ताकि आपको पता चल जाए भाई व्हाइट बैकग्राउंड किस तरीके से करना है। आपको फोटो सारा काम अपने मोबाइल से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। हाँ थोड़ा बहुत टाइम तो देखो लगेगा। इसके ऊपर आपको व्हाइट बैकग्राउंड आपको क्लिक करना है। जैसे आप व्हाइट बैकग्राउंड आप क्लिक करोगे, बीजी रिमूव के ऊपर क्लिक करोगे, बीजी रूमों के ऊपर क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पर बोल रखा है कि आपको जो फोटो है जो आपको सिलेक्ट करनी है वो फोटो सिलेक्ट करनी है। जैसे देखो अभी थोड़ा सा यहाँ पर अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक करना है। जैसे हम अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक करते हैं मेरे दोस्तों, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। जैसे आप इस तरह के इंटरफेस आओगे, इसके ऊपर क्लिक करना है क्योंकि यही तो फोटो मैंने ली थी। इसके ऊपर क्लिक करते हैं, आपके सामने ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि ये थोड़ा सा एडिटिंग करा ना। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे मेरे दोस्तों, ये चीज आप ध्यान रखना, इसके ऊपर क्लिक करते हैं ये बोल रखा है इरेजर, ये दिखा दिया। इसके बाद में आपको यहाँ पर कलर नीचे आपको जाना है और नीचे आपको एड बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप एड बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करोगे, कलर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप कलर के ऊपर क्लिक करोगे, आप व्हाइट बैकग्राउंड ले सकते हो या फिर आप व्हाइट इस तरीके से ले सकते हो। फिर आपको डन करना, और डन करने के बाद आपको डाउनलोड कर लेना। जैसे आप डाउनलोड करोगे मेरे दोस्तों, ये चीज आप जाना, ये डाउनलोड आपका हो चुका है पीजी फॉर्मेट। इस तरीके से आप यहाँ पर अपलोड कर देना, ठीक है। अब अभी मैं सिग्नेचर फाइल आप यहाँ से चूज तो कर सकते हो, सारे कैंडिडेट समझदार है। इसके बाद ब्राउजर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे हम ब्राउजर के ऊपर क्लिक करते हैं मेरे दोस्तों, आपके सामने सिग्नेचर का ऑप्शन आएगा। सिग्नेचर आपको क्लिक करने, सिग्नेचर ये बोल रखा है कि आपको ये बोल रखा है कि मेरे दोस्तों आपका 30-70 KB के बीच में होना चाहिए। तो 30-70 KB के बीच में हम सिग्नेचर को करते हैं मेरे दोस्तों। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ओपन विद पेंट के अंदर क्लिक करेंगे। जैसे हम पेंट के ऊपर क्लिक करते हैं मेरे दोस्तों, आप स्कैन करोगे तो स्कैन में कोई दिक्कत नहीं है, 15 KB का, ठीक है। इसको हम रिसाइज के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे हम सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करें, रिसाइज के ऊपर क्लिक करते हैं, रिसाइज के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर मेरे दोस्तों 150 में यहाँ पर टाइप करता हूँ। जैसे मैं 150 टाइप करता हूँ, यहाँ पर 27 KB का हो गया, ठीक है। इसको एक बार फिर हम रिसाइज करेंगे और रिसाइज करने के बाद फिर से 150 KB के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हम 150 KB के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ध्यान रखना ये आपका 49 KB का हो गया, ठीक है। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा, ये आपका सिग्नेचर अपलोड हो गया, ठीक है। ये अपलोड इसको आप थोड़ा बहुत सही कर सकते हो। इसके ऊपर आपको राइट का क्लिक करना और यहाँ पर डाल सकते हो। अपलोड सेव के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप अपलोड सेव के ऊपर क्लिक करोगे, आपके सामने अपलोड हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे, आपके बोल रहेगा जो आपका CBT एग्जाम से इलेक्ट्रिशियन, आपका जो सेकंड एग्जाम होगा वो इलेक्ट्रिशियन दे रहेगा। ये आप जान रहे, इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो, जैसे आपकी इच्छा हो वो आप कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। इसके ऊपर आई एक्सपीरियंस पोस्ट है जो मैंने अपने हिसाब से यहाँ पर पोस्ट डाली है, हारे मतलब ये सारे सब कुछ मैंने पढ़ लिया। जो आप यहाँ पर करंट लोकेशन उससे कहाँ से आप फॉर्म भर रहे हो वो आपको डालना है, ठीक है। इसके ऊपर आपको एप्लीकेशन प्री के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप एप्लीकेशन के प्री के ऊपर क्लिक करोगे, आपके सामने पूरा आपका एप्लीकेशन प्री हो जाएगा। आई रीड सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप ये रीड सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे, आपके सामने पूरा का पूरा फॉर्म आपके सामने हो जाएगा मेरे दोस्तों। जैसे मेरे दोस्तों आप यहाँ पर इस तरीके से आप अपनी पूरी डिटेल्स को डाटा को एक बार चेक करेंगे। डाटा को चेक करने के बाद में जैसे आप यहाँ पर करोगे, यहाँ पर एडिट कर सकते हो। एडिट करने के बाद आप सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे। जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे, ये बोल रहा है एप्लीकेशन एनी करेक्शन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आफ्टर सबमिट, मतलब आप सबमिट करने के बाद जो ऑनलाइन डेट खुलेगी उसको आपका सबमिट होगा। इसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे मेरे दोस्तों, आपके सामने एप्लीकेशन फीस वगैरह का पे का ऑप्शन आ जाएगा। भाई आपको यहाँ पर 500 रुपये पे करनी है। आपको व्यू एंड मॉडिफाई ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपको यहाँ पर व्यू एंड मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करके पे नाउ आपको करना है। पे नाउ करने के बाद पेमेंट आपका पेंडिंग पड़ा आपका असिस्टेंट लोको पायलट, इसमें अभी तक आपके टोटल 15 फॉर्म आपके फिलअप हो चुके हैं। व्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके आप एप्लीकेशन देख सकते हो, ठीक है। इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट लेटेस्ट जानकारी के लिए आप ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ पोर्टल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।